तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च लाहौर से निकल गया। लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च का आगाज हुआ। काफिले ने कल अपना पहला पड़ाव दाता दरबार पर डाला। आज दोपहर शाहदरा से कामोंकी के लिए रवाना होंगे। इमरान खान के कंटेनर पर पार्टी रहनुमा भी मौजूद। मार्च जीटी रोड से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च पुलिस को 5 करोड़ रुपए में पड़ गया। सिक्योरिटी पर 9 से 10 हजार एहलकार तैनात थे। शहर में ट्रांसपोर्ट का निजाम दरहम बरहम रहा। दुकानदारों और ताजिरों का भी नुकसान हुआ। मुलजमान पेश न करने से अदालती कार्रवाई भी मुतासर। सैकड़ों केसेस में नई तारीखें दे दी गई। पंजाब में लॉन्ग मार्च चल रहा है। अमन व अमान के पेश नजर सीसीपीओ लाहौर को रिलीव नहीं कर सकते। सूबाई हुकूमत ने विफाक को एक बार फिर इनकार कर दिया। गुलाम महमूद डोगर की खिदमात पंजाब में जारी रखने की इस्तदा। कलमा चौक की रीमॉडलिंग, सीबीडी के लिए अंडरपास की तामीर। वजीर आला परवेज इलाही कल मनसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। मेन बुलेवार्ड के सर्विस लेन को मेन कॉरिडोर का हिस्सा बनाया जाएगा। 4 अरब 94 करोड़ रुपए लागत आएगी। नाकस मंसूबा बंदी या फिर प्लानिंग में ताखीर। सगिया मंसूबे की लागत में 2 अरब 10 करोड़ इजाफा। 3 अरब 40 करोड़ रुपए का मंसूबा 5 अरब 50 करोड़ तक जा पहुंचा। ड्रेनेज वर्क मुकम्मल होगा। क्रॉसिंग के लिए पेडिस्ट्रियन ब्रिज भी बनना है। नजरे सानी PC1 मंजूरी के लिए हुकूमत पंजाब को इरसाल। तरक्याती मंसूबों के लिए 33 अरब के इजाफी फंड्स मंजूर। हाई वैल्यू प्रोजेक्ट में लाहौर को 7 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे। दीगर इजला में इसके हिस्से में 50-50 करोड़ आएंगे। सेहत आमा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, अर्बन डेवलपमेंट और वाटर फिल्ट्रेशन के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। गुलशन रावी टी जंक्शन पर अंडरपास बनेगा। रिंग रोड इंटरचेंज से बाबू साबू 2 किलोमीटर बंद रोड तामीर होगी। 4 अरब से जायद खर्च होंगे। उधर कमिश्नर ने भी 14 स्कीमों की मंजूरी दे दी। इतिहाद पार्क, शादाब कॉलोनी, सितारा कॉलोनी में तरक्याती काम मुकम्मल किए जाने हैं। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में बदस्तूर पहले नंबर पर। शहर में आलूदगी की शरह 256 तक जा पहुंची। कोट लखपत में सबसे ज्यादा आलूदगी की शरह 425 रिकॉर्ड की गई। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। इंतजामिया ने मास्क लगाने की हिदायत कर दी। शहर के 5 टीचिंग अस्पतालों में एडहोकिज्म बरकरार। जनरल सर्विसेज गंगाराम, लेडी एचएसएन और मियां मुंशी अस्पताल को मुस्तकिल एमएसएन मिल सका। इंतजामिया मुर मुतासिर, मरीजों का इलाज मुआवजा मुतासिर होने लगा। हाई महंगाई हर तरफ दुहाई। सब्जियों की कीमतों में 10 रुपए फी किलो इजाफा। लीमू 200, लहसुन 350, अदरक 400 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। शिमला मिर्च 250, मटर 300 रुपए किलो तक जा पहुंचे। टमाटर की सरकारी कीमत 195 की बजाय 250 रुपए में फरोख्त। यकम नवंबर से यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए 1 टाइम पासवर्ड लाजम। सार्फिन यूटिलिटी स्टोर पर आने से पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 5566 पर SMS करेंगे। 1 टाइम पासवर्ड मिलने के बाद सब्सिडाइज अशिया की खरीदारी मुमकिन होगी। इनकम टैक्स कोषवारे जमा कराने की तारीख में 2 दिन बाकी। पाकिस्तान टैक्स बार का आखिरी तारीख में 3 माह की तोसी का मुतालबा। सदर टैक्स बार राना मुनीर हुसैन, जनरल सेक्रेटरी कमर उजमान ने FBI को खत लिख दिया। तुर्किया जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। PIA की फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से तैयारियां मुकम्मल। 15 नवंबर से हफ्तावार 6 परवाजें ऑपरेट होंगी। लाहौर से 2 परवाजें इस्तांबुल जाया करेंगी। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम का लिंक डाउन, इंतजादी रैंकिंग की सरगर्मियां मुतासर। पंजाब की 48,000 सरकारी स्कूलों को मुश्किलात का सामना। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड भी खामी दूर करने में नाकाम। UET की पहली इंजीनियर खातून प्रोफेसर ओहदे से मुस्ताफी। डॉक्टर साइमा यासीन केमिकल इंजीनियरिंग शोबे की चेयरपर्सन थी। जराय के मुताबिक वाइस चांसलर ने खातून से जबरदस्ती इस्तीफा लिया। सिंडिकेट मेंबर डॉक्टर नवीद रमजान को तैनात कर दिया। तवील मुद्दत ड्यूटी से गायब रहने वाले मुलाजमीन की मुस्तकिल छुट्टी। LWMC ने 1 माह से गैर हाजिर 62 मुलाजमीन को फारिग कर दिया।
लारी अड्डा के करीब ट्रैफिक हादसा, 50 साला खातून जान की बाजी हार गई। पुलिस ने शनाख्त न होने पर लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। नामालूम चोर एक और मस्जिद का चंदा बॉक्स ले गए। टाउनशिप की मस्जिद में चोरी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस को मुल्जिम की तलाश। नाकस क्वालिटी के शूज तब्दील ना करने का मामला, लामा शूज गुलबर्ग के जीएम के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत ने जनरल मैनेजर को 18 नवंबर को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत में आशियाना रेफरेंस की समाअत, नए पुराने मुलजमान का ट्रायल अलग चलाने के नुक्ते पर दलाइल मुकम्मल। जज साजिद अली अवान ने समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सीनियर एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन की जमानत मंजूर। सेशन जज तनवीर अकबर का 2 लाख रुपए के मुतलके जमा कराने का हुक्म। एफआईए ने बैंक का कर्जा वापस ना करने पर गुलाम हुसैन को हिरासत में लिया था। तुर्किया के कौमी दिन पर तकरीब, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की खसूसी शिरकत। अमेरिकन काउंसिल जनरल विलियम मैकनोल और यूनानी काउंसिल जनरल मोहम्मद रजा नाजरी की भी शिरकत। गवर्नर की तुर्किया के सदर को मुबारकबाद। कमिश्नर लाहौर आमिर जान का सर्कुलर रोड का दौरा, ऑटो मार्केट के ताजरान से मुलाकात, इलाके में पार्किंग और तजावजात जैसे मसाइल पर बातचीत। लारी अड्डे में 7 मंजिला पार्किंग प्लाजा बनाने की भी तजवीज। एमसीएल वासा एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा भी इजलास में शरीक। एमडी वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत इजलास। शालीमार टाउन के अफसरान की रिकवरी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। बताया कि 2 हफ्तों में शादबाग से 36 लाख, गुजरपुरा से 31 और बागवानपुरा डिवीजन ने 30 लाख रिकवरी की। एमडी ने रिकवरी का हदफ 100% मुकर्रर किया है। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का कॉन्वोकेशन, 311 तुलबा और तालिबात को एमबीबीएस की डिग्रियां दी गईं। डॉक्टर महनूर ने 18, मारिया रिजवान ने 16 मेडल हासिल किए। तकरीब में प्रोफेसर सईद खोखर, प्रोफेसर फारूक अफजल, प्रोफेसर महमूद अयाज समेत दीगर भी शरीक। सुप्रीम कोर्ट बार के 9 मुंतखब सदर आबिद जुबैरी की हाई कोर्ट बार में आमद। सदर सेक्रेटरी मुक्तदिर अख्तर शबीर, नायब सदर बुशरा कमर और दीगर का भरपूर इस्तकबाल। मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी मोहम्मद मोहसिन विर की एसएम भून से मुलाकात, हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। इंतजामिया की अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर सफाई मुहिम, हवाई अड्डे के अहाते दफातर ऑपरेशनल एरियाज की सफाई। मुहिम की क्यादत एयरपोर्ट मैनेजर सैयद आफताब गिलानी ने की। पंजाब कॉलेज ने इंटर कॉलेजिएट हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में सुपीरियर कॉलेज को 2-0 से शिकस्त हासिल हुई। तीसरी पोजीशन के मैच में साइंस कॉलेज वादत रोड को शिकस्त हो गई। डायरेक्टर स्पोर्ट्स अर्शद सत्तार, जियासिफ तैन, मोहम्मद सकलैन और राणा जहीर ने भी फाइनल मैच देखा।